हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। और ये वीडियो जो है वो बोध गया कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रिजॉर्ट के बारे में, जिनका नाम है द बाइक निरंजना रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट जो है वो बोध गया के आमवन में है, आमवन इलाके में रिजॉर्ट स्थित है। और ये रिजॉर्ट जो है वो बोध गया बस स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि आप जो है जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि आप बोधगया में ही एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो रिजॉर्ट की सैर करेंगे या वहाँ पे स्टे करेंगे, जहाँ पे हर वो फैसिलिटी है जो बड़े बड़े रिजॉर्ट में होती है। सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे लश ग्रीन आसपास का जो इलाका है आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसके बाद इस रिजॉर्ट में बीच में स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया शानदार जो इसके कमरे हैं। और अगर आप अलग अलग बुकिंग साइट से इसके कमरों को बुक कराते हैं तो आपको बुकिंग चार्ज जो है लगभग 2300 रुपये से लेकर के 3500 रुपये के बीच लगेगा। अभी आप चेक करेंगे कि किस समय कौन से बुकिंग साइट्स पे कितना रेट्स में कमरे इसके अवेलेबल हैं, तभी आप जो है यहाँ पे स्टे करेंगे। मैंने आपको पहले ही रेट बता दिया कि बुकिंग साइट्स के थ्रू अगर आप इसके कमरों को बुक कराएंगे तो अलग अलग रूम्स के जो हैं आपको लगभग वही 2200-2300 रुपये से लेकर के 3500 रुपये के बीच में आपको बुकिंग मिल जाएगा रूम्स के। और बेहतर है कि आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर आसपास के सुंदर एटमॉस्फेयर को देखें। आप एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्टॉनिस्ट अपने आप को फील करेंगे जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें एक शानदार जो है रेस्टोरेंट और एक शानदार बैंक्वेट हॉल भी है। मतलब कि यहाँ पे शादी ब्याह या कोई और भी जो है बर्थडे पार्टीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज लोग करते हैं। इस रिजॉर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कॉटेज भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो एकदम रेड कलर से पेंट किए गए हैं, जिनमें रह करके आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार महसूस करेंगे। और मैं आपको बस यही बोलूंगा कि यहाँ पे पहुँच करके आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे, शहर की भागदौड़ से दूर, शहर के नॉइज से दूर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये महाबोधि टेम्पल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप बोधगया की सैर भी कर पाएंगे। यहाँ से आप यहाँ से जो है वो अपना प्राइवेट टैक्सी लेकर के या ऑटो से भी जा सकते हैं। तो यही थी खबर, और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा ये रिजॉर्ट घुमाने लेके जा रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप।